ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह, मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमें इसलिए रोकना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों, दलितों और जो सबसे बड़ा इस समय हमारा मुद्दा है जातिवाद जनगणना का, उसको दबाना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का पार्टनर है वो LDA का सेक्रेटरी, तो वो उस नाते वो दुरुपयोग कर रहा है अपने संबंधों का, ठेकेदारी और व्यवसायिक उसके संबंध हैं। तो उसने 27 तारीख को ही फैसला कर लिया कि हमने अभी अनुमति नहीं दी है उसको, हमारे पास समय था। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर अमित शाह तो कुख्यात हैं इस देश में, उन्होंने पिछड़ों, दलितों और वंचितों को जितना नुकसान पहुँचाया है उतना किसी ने नहीं पहुँचाया है। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल की आगामी 2 जुलाई को जयंती होनी है, जिसमें अपना दल कमेरावादी और अपना दल एस जो है जयंती मनाने की पूरी तैयारियां कर रहा है। जहां एक तरफ अपना दल एस को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जयंती मनाने की अनुमति मिल गई है, तो वहीं अपना दल कमेरावादी को LDA प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अनुमति क्यों नहीं दी, इसकी जानकारी के लिए, पूरी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ कमेरा दल के चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष है जो ये पूरा इवेंट कर रहे थे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अनुमति क्यों नहीं मिली। सर ये बताइए, आप अपना दल जो कमेरा चेतना फाउंडेशन है उसका अध्यक्ष हैं, तो आखिर LDA प्रशासन ने आप लोगों को अनुमति क्यों नहीं दी? अपना दल इसको दे दिया लेकिन आपको नहीं दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि हम 12 जून को ही हमको वहाँ पर मार्स हॉल हमने बुक करा लिया था, लेकिन अभी 27 तारीख को अचानक LDA के एक बाबू का पत्र हमको मिलता है, LDA के सचिव का, कि आपका आवंटन हम रद्द कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमें इसलिए रोकना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों, दलितों और जो सबसे बड़ा इस समय हमारा मुद्दा है जातिवार जनगणना का, उसको दबाना चाहती है। लेकिन वो हमें स्थान की देने या ना देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो हमें कार्यक्रम करने से, इस मांग को उठाने से वो नहीं रोक सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम कार्यक्रम जरूर करेंगे, तो इसी कड़ी में हमने तय किया है कि अब हम ये कार्यक्रम जो है वो 19 विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया सभागार में करेंगे, तो कार्यक्रम होगा। अच्छा ये बताइए, LDA ने जो हवाला दिया कि जो है पुलिस ने NOC नहीं दी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए वो तो उनका कुत्सित प्रयास है, उनकी दुर्भावना है, उसमें स्पष्ट होता है कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी, तो पुलिस ने ये भी तो नहीं लिख के दिया था कि हम कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, और पुलिस की अनुमति सबमिट करने के लिए अभी पर्याप्त समय था। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का पार्टनर है वो LDA का सेक्रेटरी, तो वो उस नाते वो दुरुपयोग कर रहा है अपने संबंधों का, ठेकेदारी और व्यवसायिक उसके संबंध हैं, तो उसने 27 तारीख को ही फैसला कर लिया कि हमने अभी अनुमति नहीं दी है उसको, हमारे पास समय था। और किस मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं मंत्री की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं LDA के सेक्रेटरी को कह रहा हूँ। मंत्री के मित्र हैं? तो मैं मित्र नहीं है भाई, साथ में पार्टनरशिप में ठेकेदारी कर रहा है, इसमें मेरे इशारे की क्या बात है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो इसी वजह से जो है ये सब कुछ ठगों का, कुछ भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। खैर ये विषय नहीं, विषय ये है कि हम पिछड़े और दलित समाज के हक अधिकारों का जो मुद्दा है जातिवार जनगणना, उस पे बात करना हमने शुरू की है और उस पर हम कार्यक्रम करेंगे, यथावत करेंगे, हमारे अतिथि भी सब उस पे उपस्थित रहेंगे। अच्छा ये तई अतिथि की बात कर रहे हैं, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है आपके कार्यक्रम में आएंगे 2 जुलाई को जो होगा, वहीं अपना दल एस में जो है गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया गया है। तो सुनने में आ रहा था कि अखिलेश यादव जी जो है जातिगत जनगणना पे जो है एक बात रखने वाले थे, तो इस नाते क्या जो है आपकी परमिशन नहीं मिली, रद्द कर दी गई? हाँ ये कहा जा सकता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर अमित शाह तो कुख्यात हैं इस देश में, उन्होंने पिछड़ों, दलितों और वंचितों को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे उत्तर भारत के सर्वाधिक संभावना वाले नेता हैं, उन्होंने तो चुनाव में भी ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनती है
तो हम बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी और अवसरों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो ये तो हमारा पुराना मुद्दा है। और 2 जुलाई चूंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का जयंती का दिन है और उस दिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब प्रमाणिक राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने सामाजिक समानता और पिछड़ों के हितों के लिए संघर्ष किया, हम उसके दिन पर जातिवार जनगणना और पिछड़ों दलितों को उनके हक अधिकारों के लिए जागृत करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तो ये सही है कि सम्मान्य अखिलेश यादव जी 2 जुलाई को डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जयंती के दिन जातिवार जनगणना पर अपनी बात कहेंगे। अच्छा, आप क्या लगता है कि जाति का जो जनगणना है, जाति का जनगणना, वो सरकार उसको नहीं कराना चाहती है क्या? कहाँ कराना चाहती, भारतीय जनता पार्टी कहाँ कराना चाहती है जातिवार जनगणना? भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो लोग अभी सत्ता सरकार में बैठे हुए हैं केंद्र में, ये तो शोषक मानसिकता के लोग हैं। ये तो चाहते ही नहीं है कि समाज में सबको समानता का अवसर प्राप्त हो, सभी लोगों में अवसरों के पा लेने को सुनिश्चित किया जा सके। ये तो इसके विरोधी लोग हैं, तो ये क्यों जातिवार जनगणना कराएंगे? ये क्यों? ये तो आरक्षण को भी खत्म करने पर तुले हुए लोग हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी दावा करती है कि वो पिछड़ों की और दलितों की जो हितैषी पार्टी है, आपको नहीं लगता कि वो सही कह रही है या फिर इसमें भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है, करती क्या है, इसमें बहुत विरोधाभास रहता है। और भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है। आज वो बाबा साहब की फोटो पर फूल माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब इस दुनिया से गए, उस समय का मौजूदा वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी अपने किसी पूर्वज नेता का एक भी संवेदना का वाक्य दिखा दे कि उनके देहांत पर किसी ने संवेदना व्यक्त की हो। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को ईसाइयों का एजेंट कहा और अपमानित किया, और आज बाबा साहब की वोट की खातिर बाबा साहब पर माला और वो चढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के नाम पर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक सवाल खड़ा करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि वो अपना विजन इस पर भी रखें कि डॉक्टर साहब ने जिन लाखों लोगों को लेकर अयोध्या जैसी जगह में बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, उस पर वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब पर इलाहाबाद में आज भी मौजूद हैं ऐसे हजारों लोग जिनके शरीर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस कातिलाना हमले के निशान मौजूद हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब पर कराया गया। वो जब तक जीवित रहे उनको खत्म कर देने की जो जो कोशिशें हो सकती थी सब कुछ हुई। अंत में एक संदिग्ध मृत्यु की जांच तक नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये कहीं कुछ भी वोट की खातिर, सत्ता की खातिर, पर वास्तव में ये शोषक लोग हैं, ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं और ये पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के धुर दुश्मन और विरोधी लोग हैं। अच्छा, बिहार की बात अभी कर रहे थे, आजादी का जनगणना की जिस तरीके से हुआ उसी तर्ज पे जाति जनगणना हो, अखिलेश यादव जो है 2 जुलाई को इसी मुद्दे पे बोलना चाह रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे क्या, उनका अखिलेश का साथ? जी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये जो अप्रिय और विवादास्पद स्थिति बनी, तो इसलिए अभी हमने उनको इससे अवगत कराया है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अपमान और असम्मान की बात है कि यहाँ पर इस तरह से दलितों, पिछड़ों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, और वो सरकार जो पिछड़ों के ही वोट से बनी है, वो पिछड़ों के अधिकारों का दमन कर रही है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 22 में भी इसका बहुत हद तक खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, 24 में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है कि जो सोनेलाल पटेल जी हैं वो क्या किसी अब एक व्यक्ति विशेष के ही हो गए हैं, ये दिखाया जाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मेरा मानना और भारत की सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का होता है और उसके बाद उन हजारों लोगों का होता है या उन करोड़ों लोगों का होता है जो लोग उसे अपना नेता या अपना शुभचिंतक मानते हैं। तो वैसे ही डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब पर व्यक्तिगत दावा तो सिर्फ उनकी पत्नी कर सकती हैं, और उनका है ही,
और उसके अतिरिक्त तो वो उन सभी लोगों के हैं जो लोग डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के सिद्धांतों, मूल्यों और राजनीतिक दर्शन से का समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो सामाजिक न्याय के साथ चलने वाले लोग होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी जैसी शोषणकारी पार्टी के साथ जाने वाले लोग तो सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के नाम की दलाली करने वाले लोग हैं, उनके वारिस नहीं है, उनके वैचारिक उत्तराधिकारी नहीं है। कौन दलाली कर रहा है, किसकी तरफ? जो भी कोई लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। इसी भारतीय जनता पार्टी में जब पिछड़ों के हितों के खिलाफ निर्णय हुए तो जो पिछड़े नेता बनकर बैठे हैं, पिछड़े नेता पिछड़ी पार्टी बनकर पिछड़ों के हितों, पिछड़े वर्ग के हितों को के नाम पर वहां लड़ने के लिए जो लोग गए और नहीं लड़ रहे हैं, मौन है, और मौन रहने की उन्होंने कीमत ले ली है, तो ये दलाली ही तो है। समाज के हितों की दलाली करने वाले लोग भाजपा उनको नेता बताती है ताकि उसको समाज को ठगने में आसानी हो सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जब पिछड़ों की गर्दन काटी जा रही है, दलितों की गर्दन काटी जा रही है, और वो वहां पर पिछड़े और दलित नेता बने बैठे हैं, ऐसे सब तरह के तत्वों को मैं दलाली तत्व कहता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सोनेलाल पटेल जो थे वो अपनी पत्नी के थे और फिर समाज के, तो आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने पार्टी खड़ी की अपना दल, उसका असली उत्तराधिकारी वारिस कौन है, किसे मानते हैं, अपना दल एस के या फिर अपना दल? देखिए, मैं स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के पूरे जीवन के संघर्ष में पग पग और क्षण क्षण अगर बराबर का किसी ने संघर्ष किया तो उसके प्रमाण मौजूद हैं उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा पटेल जी, और उस पूरी समूची पार्टी ने एक स्वर से एक मत एक राय होकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के बाद उनकी पत्नी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कुख्यात है ये सब करने के लिए, जैसा उन्होंने पासवान साहब की पार्टी में किया, जैसा उन्होंने शिवसेना में किया, ऐसे ही 2015 में उन्होंने अपना दल को और कृष्णा पटेल जी को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कृष्णा पटेल जी का संघर्ष ही था कि आज वो वास्तविक अपना दल जो है उनके साथ यथावत काम कर रहा है, भूख और गरीबी और बेबसी में काम कर रहा है, लेकिन उन्हीं के साथ काम कर रहा है। अच्छा, अब आप लोगों का अपना दल कमेराबाजी का अगला कदम क्या होगा? आप लोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी आज मिले हैं, क्या कुछ बातें हुई, और अगली जो है जो आप लोग जो 2 तारीख को जो कार्यक्रम करेंगे उसको कहाँ मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, क्या लखनऊ में मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, या फिर सड़कों पे उतर के या कहीं अन्य जगह मनाएंगे? देखिए, इस तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट करने का हमारा कोई उद्देश्य था नहीं पहले भी, हमें तो समझ ही नहीं आया कि सरकार को ये करने की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन बात स्पष्ट है कि वो पिछड़ों के हितों पर कुठाराघात करने की मानसिकता वाले लोग, पर हम इस कार्यक्रम को जरूर करेंगे। सम्माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि के नाते उसमें सम्मिलित होंगे। हम लोहिया सभागार में ये कार्यक्रम करने वाले हैं 2 जुलाई को 11 बजे, और उसमें सम्माननीय अखिलेश यादव जी, हम पटेलों की राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी, और समाजवादी वरिष्ठ चिंतक सम्माननीय श्री उदय प्रताप जी, ये लोग उसमें सम्मिलित होंगे, और जातिवार जनगणना को लेकर समाज कैसे जागृत हो उस पर अपनी बात कहेंगे। तो ये थे कमेरा चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज निरंजन जी, जिनका कहना है कि आगामी 2 जुलाई को सोनेलाल पटेल जी की जयंती जो है लोहिया सभागार में मनाई जाएगी। उस वक्त सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मौजूद होंगे और जातिगत जनगणना पर बात करेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे कि आखिर जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं करा रही है। साथ ही साथ उनका कहना है कि आने वाले समय में सभी लोग एक होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, जुपिटर।